आप अगर देखें तो अप्रैल और मई में जब मार्केट बढ़ रही थी तब फॉरेनर्स ने मार्केट में बेचा और भारतीय निवेशकों ने उसका लाभ लेके उसको खरीद कर ये जो बढ़त हुई है गत दो महीनों में उसका लाभ भारतीय निवेशकों को मिला। भारत के निवेशक चाहे वो खुदरा निवेशक हो या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो, जिसका फायदा भी सीधा भारतीय निवेशकों को मिलता है। अगर हम गत तीन दिनों की बात देखें तो जिस दिन एग्जिट पोल अनाउंस हुआ उस दिन भी फॉरनर्स ने बेचा। जब एग्जिट पोल अनाउंस हुआ उस दिन भी सॉरी जिस दिन एग्जिट पोल अनाउंस हुआ फॉरनर्स जो पहले बेच रहे थे उन्होंने खरीदा 6,850 करोड़ रुपए का शेयर्स फॉरनर्स ने बेची एग्जिट पोल के दिन जब मार्केट हाई थी, तो भारत के निवेशकों ने उसमें एक प्रकार से सॉरी माफ करिए मैं जरा ठीक कर लूं, जिस दिन एग्जिट पोल आया फॉरनर्स ने खरीदा महंगे दामों पर और भारत के निवेशकों ने महंगे दामों पर बेच के लाभ लिया 6,850 करोड़। रिटेल में फॉरनर्स ने खरीदा महंगे दामों पर और भारत के निवेशकों ने उसका लाभ लिया। अगले दिन जब रिजल्ट आए 4 तारीख को, उसके दो दिन बाद 4 तारीख को जब मार्केट गिरी उस दिन फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बेचा कम दाम पर बेचा और भारत के निवेशकों ने उसको खरीदा इस विश्वास के साथ कि मोदी सरकार आ रही है हम इसका लाभ लेंगे। तो फॉरेनर्स ने महंगा दाम खरीदा और सस्ता दाम बेचा, भारतीय निवेशकों ने महंगा दाम बेचा और सस्ता दाम खरीदा। तो एक प्रकार से भारतीय निवेशकों ने इस अंतराल में भी कमाई करी, किसी का नुकसान नहीं हुआ। और ये जो बात 30 लाख करोड़ की करते हैं राहुल गांधी जी, मुझे ध्यान आ गया कि क्यों देश की जनता का राहुल गांधी जी पर जरा भी विश्वास नहीं, क्योंकि वो ये भी नहीं समझते कि ये तो वैल्यूएशन है। वैल्यूएशन से मतलब नहीं है, जो खरीद और बेच होती है उसी का मतलब होता है। और उसमें फॉरेनर्स ने नुकसान पाया, भारत के निवेशकों ने लाभ लिया है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स भारत के इस दौरान भी लाभ लिया और फिर आज के दिन मार्केट फिर एक बार जो 3-4 दिन पहले थी उस मार्केट पे फिर एक बार पहुंच गई, जब स्पष्ट हो गया कि मोदी सरकार आ रही है, मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो मित्रों 10 साल के मोदी सरकार के सफल काम की वजह से मार्केट में जो हमारे भारतीय निवेशकों ने लाभ लिया ये बड़ा स्पष्ट है। इस दौरान भी जो मार्केट में उतार चढ़ाव हुआ इसका भी लाभ भारतीय निवेशकों ने लिया और मैं समझता हूं यही विश्वास दुनिया का भी भारत के ऊपर है, मोदी जी के ऊपर है।